तो भाई IFB का मॉडल है ये, TLSDR, IFB, IFB TLSDR मॉडल 6.5 kg का मॉडल है। तो इसी पूरी जानकारी मैं देता हूँ किस तरीके से चलती और कैसे ऑपरेट होती है। तो ये इसका कंट्रोल पैनल है, ठीक है। यहाँ से टाइमर वगैरह हम टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, मोड वगैरह सेट, ठीक है। तो क्या क्या चीज है, ये इसके चेक वाल्व लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक वाल्व लगे हुए हैं जिससे पानी ऑन ऑफ होता है, जो जैसे जस्ट लाइक टैप, जैसे हम टंकी जो है, जैसे हम टंकी से पानी ऑन ऑफ करते हैं ये वाली। तो ये यहाँ पर हमें वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल करना होता है, इलेक्ट्रिक से करना होता है ऑटोमेटेड। तो करंट आता है तो ऑन हो जाता है, जब करंट भाग जाता है तो वाटर जो है वॉल्व खुल जाते हैं, ये हमारे टैप में लग जाते हैं आउटलेट पर। तो ये ठीक है, इसमें हॉट और कूलिंग का कर रखा है इन्होंने। बाकी भाई वायरिंग है, यहाँ से ये वायर यहाँ से पीछे मदरबोर्ड में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, फिर कुछ जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं मोटर की तरफ से। ये इसका वाटर लेवल सेंसर है, कुछ अलग तरह का सेंसर है, ये दिखा देता हूँ मैं किस तरह का सेंसर है। ये इस तरह का सेंसर है, यहाँ पर कोई नए तरह का सेंसर है ये। एक्चुअली ये क्या है, एयर प्रेशर को सेंस कर रहा है, जब पानी इसमें दबाव ज्यादा हो जाता है तो उसके हिसाब से सेंस कर रहा है ये, ठीक है। ये इसका लिड लिड स्विच है, जब यानी कि जैसे ऑन हो जाए तो ऑफ हो जाए और जब बंद हो जाए तो, ये इसका लिड है, जब लिड स्विच है इसका, यह सेंसर है, यानी कि अगर ढक्कन ऊपर कर दिया तो मशीन मशीन जो है वो बंद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी भाई नीचे का मैंने डिटेल में तुम्हें बता दिया, बाकी अगर कुछ फॉल्ट वगैरह को पूछना है कि ऐसे नहीं हो रहा तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो यहां से टाइमिंग वगैरह सेट होती है, मोड वगैरह सेट होता है, पानी की क्वांटिटी वगैरह सेट होती है। इस सेंसर में तीन थ्री वायर जा रहे हैं, थ्री वायर, तो ये पाइप जो है, पाइप यार यहां से जा रहा है कुछ, ये पाइप यहां से जा रहा है, यहां पे आ रहा है ऊपर से लेके इस टप पे जा रहा है पाइप। और अगर इस टप को यार पाइप है तो वाटर लेवल सेंसर है, नीचे से दिखाते हैं इसको, कुछ इस तरीके का है ये। ये इसके बैलेंसिंग दे रखे हैं जिससे कपड़े अगर अनबैलेंस है तो ये जो है बैलेंस, ये बैलेंसर है इसके, सॉकर जिसे आप कह सकते हैं, जिससे ज्यादा फोर्स जो है स्ट्राइकिंग ना हो। तो मैं यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ, ये क्या चीज है, ये किस लिए इसने लगाया, ये किस लिए लगाया, ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारे इस पर, ये जो स्विच है इसके नीचे लगा हुआ है, ये टॉप आ गया ऊपर का, ये देखो ये हमारे जो स्विच है, जो लीड स्विच है, जब इसका ढक्कन ऊपर करा जाता है तो मशीन जो है रुकनी चाहिए, तो ये स्विच है यहाँ पे, ये स्विच है। अब ये स्विच दो दो काम कर रहा है, ये एक तो लीड अगर किसी ने ढक्कन ओपन किया तो मशीन जो है रुकनी चाहिए, उसको स्टॉप कर रहा है, ऑफ कर रहा है, और ऊपर से ये लगा हुआ है, मैं इसको लीवर को हिलाता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे आ गए, और ये लीवर, ये वाला लीवर, ये वाला लीवर, ये इस तरीके से हिलेगा, और ये हिलाने पर इसमें हलचल होगी, ठीक है। यहाँ पर ही कनेक्ट है, ये यहाँ पर ही कनेक्ट है, ये आर मारिए, देखो ये देखो इस तरीके से, इससे होने से क्या होगा, ये हमारा ये ऑफ ऑन होगा, ये हमारा ऑफ ऑन होगा। तो ये बेसिकली किस लिए लगा हुआ है, ये जब ये वाला जो है इससे, इसके टप से टच होगा, ये लीवर इसके टच से यहाँ से टच होगा, और जब ये ज्यादा हिलेगा तो ये भी हिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से लग जाएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से लग जाएगा, और जब ये वाला टप यहाँ हिलेगा इससे, जब ज्यादा वाइब्रेशन होंगी, जब ज्यादा वाइब्रेशन होंगी तो ये भी हिलेगा, इससे लगा हुआ यहाँ पे लगेगा ये इस जगह। तो जब वाइब्रेशन डिटेक्टर एक तरीके से, तो ये इसको ऑफ कर देगा उस टाइम पर, ये मशीन को ऑफ कर देगा जब ज्यादा ज्यादा हिलेगी मशीन, ठीक है। तो वाइब्रेशन डिटेक्टर की तरह से काम करता है स्विच है, अगर ज्यादा वाइब्रेशन आई तो ये हिलेगा। एक्चुअली इस मशीन में एक प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पे इसका जो पैनल है, यहाँ पर आगे कंट्रोल पैनल जो है ये ऑन तो हो रहा है, लेकिन कुछ भी जो है ट्रिगर नहीं हो रहा, जो मशीन का जो हार्डवेयर है वो काम नहीं कर रहा। मतलब या तो जो कंट्रोल जो पैनल है यहाँ से कोई भी सिग्नल जो है आउट नहीं हो रहा हार्डवेयर के लिए, यानी कि मोटर वगैरह या SV वाल्व जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कुछ भी टाइमर वगैरह चल रहा है, बटन्स वगैरह सारे काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल मैंने आप यहाँ पर ये ऑन किया, मशीन को ऑन किया, कुछ करंट आ रहा है इस पर, अर्थिंग करंट आ रहा है, तो ये ऑन हो गया, मशीन जो है ऑन हो गई एक तरीके से। बट जैसे ही हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो कोई बीप नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा मशीन में, ना कोई एरर मैसेज शो हो रहा। तो ये प्रॉब्लम जो है मशीन में जो है आई है। तो मैंने यहाँ पे क्या सॉल्यूशन ढूंढा, मैंने यहाँ पे अपना ही एक मशीन का कंट्रोल पैनल बनाने की सोची, और बनाया भी, और उससे मशीन को मैंने चलाया भी, तो मशीन जो है चल गई। आर्डिनो से मैंने बनाया, तो उसको प्रोग्राम करने में काफ़ी टाइम लगा यार, काफ़ी इजी नहीं है उसकी प्रोग्रामिंग, तो बहुत 3 दिन लग गए थे इसके प्रोग्राम बनाने में। बट मशीन जो है सक्सेसफुली चल गई है, लेकिन कुछ थोड़ी सी माइनर एरर आ रही हैं, वो आगे मैं पार्ट टू में डिस्कस करूंगा कि किस तरह की एरर आ रही है, क्या रेस्पॉन्स मिला। तो वीडियो को देखते रहें।
तो मदरबोर्ड देख लेते हैं इसका। ये यहाँ पर थ्री वायर है, बीच वाला मोटर ग्राउंड है जो कि रिले के थ्रू आता है, साइड वाली जो ब्लू रिले है, और साइड वाले जो है वो हमारी पावर सप्लाई इनपुट है, यानी कि जो, और ये वाले ट्रैक्स लगे हैं यहाँ पर, ठीक है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए। और बाकी ये वाले जो है ये सेंसर्स हैं, वाटर प्रेशर सेंसर और ये लिड स्विच सेंसर, ये हमारे एसवी के उसके लिए हैं। बाकी सेंसर्स हैं, ये मोटर के कनेक्शन वायर रिवर्स फॉरवर्ड, ये एसवी एसवी की स्विचिंग के लिए हैं, तीनों एसवी तीन लगे हुए हैं, तो तीन वायर वहाँ पे इन तीनों एसवी के लिए लगे हुए हैं। ये वाला कनेक्टर तीन वायर जा रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे इमेज में सारे सेक्शन पार्ट जो है वो मैंने दिखा दिए गए हैं, सॉलिड स्टेट वॉल्व, ड्रेन मोटर और मोटर कंट्रोल, रिवर्स फॉरवर्ड पावर सप्लाई कहाँ पर है, रिले रिले कंट्रोल टू मोटर्स, मोटर्स न्यूट्रल, कॉमन वॉश मोटर, टब लाइट का कौन सा है, स्पीकर, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज दिखा दी गई है। तो यार ये मदरबोर्ड इसका मेन मदरबोर्ड था मशीन का, तो हालांकि मैंने इसकी जानकारी दे दी आपको, ये एसएमपीएस है, इसमें ये एसएमपीएस है, ये यहाँ पे कुछ ट्रैक्स, कुछ यहाँ पे ट्रैक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये एसएमपीएस है इसका, ये ट्रैक्स लगे हैं जो कि मोटर्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं, हैवी जो हैवी यूनिट है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी ये इसका लॉजिक बोर्ड है, ये इसका लॉजिक बोर्ड है, ये इसका इंटरफेस आ गया यहाँ पे जिससे सेट होते हैं। तो इसमें मैं एक चीज प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, इसमें यहाँ पे काफी मॉइस्चराइजर है, यहाँ पे बटन में पानी आ गया है, तो अभी दो दिन तक मैं इसको धूप में सुखाऊंगा, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है कि नहीं क्या होता है। फिलहाल अभी जो काम बंदा हूँ तो इस वजह से मैं इसको तो हटाता हूँ साइड में, पेंडिंग पीरियड में रखता हूँ मैं इसको, और अब मैं अपना मदरबोर्ड डिजाइन कर रहा हूँ टेम्प्रेरी, हालांकि टेम्प्रेरी और परमानेंट क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो है अभी स्पेयर में रखा हुआ है, उस पर टेस्टिंग में करता हूँ बाद में, लेकिन काम बदना हो तो मैं इस पर काम करूंगा। तो ये आर्डिनो है, आर्डिनो से मैं इसका बोर्ड डिजाइन करूंगा, कुछ इंटरफेस के लिए कुछ बटन मैंने फिलहाल अभी इतने करें हैं, मैं बढ़ा सकता हूँ जो पढ़ने में, कुछ इंडिकेशन एलईडी, पावर सप्लाई यूनिट सेगमेंट सेवन सेगमेंट, टाइम वगैरह दिखाने के लिए, रिले मोटर वगैरह कंट्रोल करने के लिए। तो ब्रेडबोर्ड पर भी हम टेम्प्रेरी इस पर ही बना के देखेंगे अभी हम, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर काम। तो आज हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ये मशीन है एफ बी आई की ऑटोमेटिक टॉप लोड, कुछ इस तरीके से है इसका अंदर का व्यू, कुछ इस तरीके से है ये मोटर है, ये सर्कुलर सिस्टम है, रिवर्स रिवर्स फॉरवर्ड वाइंडिंग, रिवर्स फॉरवर्ड राउंड देता है, और आपको वॉश करने हैं या रिंच करने हैं ये यहीं से कंट्रोल होता है इसका। ये दूसरा मोटर है जो कि ड्रेन करेगा, जो कि पानी को ड्रेन करता है, और ये इसी से जो है वॉशिंग और रेंज मोड पे ये मशीन आती है, बाकी सारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, बाकी जो सारा काम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है वो करता है इन चीज़ों कंट्रोल। तो इसमें ये मैकेनिज्म है इसका टॉप लोड का, ठीक है, तो ये मोटर हो गया जिससे मेन ड्रम घूमता है, मेन वॉशिंग ड्रम घूमता है, ये क्लच है, दो मोड है, सिंपली दो मोड होते हैं, एक तो आपका रेंज करना और एक वॉश करना और एक ड्राई करना। तो अगर हम तेज स्पीड से घुमाएंगे पानी को सप्लाई बंद कर देंगे तो ड्राई हो जाता है, ठीक है, तो वो तीनों मोड यहाँ से चेंज होते हैं। ये दूसरा मोटर है जो कि ड्रेन को कंट्रोल करता है, उस पर पानी जो कि ड्रेन करता है और रोकता है, तो दो मोटर हैं फिलहाल ओवरऑल। तो भाई बिजली ऑन हो गई, ठीक है, बिजली ऑन हो गई, ठीक है, तो मोटर के वायर जो हैं, मोटर के वायर ये आ रहे हैं, अब ये तो ड्रेन मोटर के होंगे और ये वॉशिंग ड्रम के, वॉशिंग मोटर के वायर होंगे इधर की साइड, और ये भाई कोई सेंस, ये मोटर के वायर ये है, और भाई एक वायर जो है ये बात इसका है यार, अच्छा, और मोटर जो है चलने लगी है, देखिए आप यहां है, ये मोटर जो है चलेगी ये वाली, ये मोटर चलेगी। तो हमने इसका एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज जो है ढूंढ लिया, कहां पर है मैं चला के दिखाता हूँ दोबारा, ये देखो, ये देखो चली, देखो चल रही है ना। अब ये था क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो ये इसी तरीके से चलती है जैसे आपने देखा होगा, दोनों साइड में जो कपड़े जो घूमते हैं वो, तो यही होता है फंक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस मोटर को घुमाया जाता है, और फिर इस मोटर से ड्रम को जो है कंट्रोल किया जाता है। तो यानी कि मशीन जो है, बस मुझे क्लच सिस्टम इसका थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेना है, तो ये जो है मैनुअली ऑपरेट होने लगेगी ये मशीन। अब एक काम और करते हैं, इसका इसका ड्रेन ड्रेन और डिटेक्शन करते हैं, इसका ड्रेन आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये चलता है, किस तरीके से मोटर ड्रेन ये चलता है, ये मोटर लगा हुआ है, ये मोटर लगा हुआ है,
ये इसका आप ऐसे मान के चलो जैसे टंकी है, जैसे टंकी में हम वाटर को ऑफ ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वायर जा रहा है, बारीक वायर, ये वायर जा रहा है और इस ये मोटर जो है इस वायर को खींचती है और इस वायर से इसका क्लच सिस्टम चलता है ऐसे ही, नीचे को पुल डाउन ऐसे, ये लीवर चल रहा है यहाँ पे, ये वाला ऐसे खींचता है, तो आपका ड्रम ड्रम और नीचे का जो स्टेटर और रोटेटर वगैरह होता है तो वो जो है चल जाते हैं, जाम हो जाते हैं और यहीं से जो है इसका जो वॉल्व है खुल जाता है और पानी आपका बाहर आ जाता है। तो इस मोटर को चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। मैंने गलती कर दी, वायर जो है मैंने निकाल दिया, वायर मैंने इसके निकाल रखे हैं, सेफ्टी की वजह से निकाले थे मैंने वायर ये, तो भाई इसके वायर में लगा देता हूँ शायद यहाँ पे लगे थे वायर, ये वायर यहाँ पे लगे थे शायद, तो मैंने वायर निकाल रखे हैं इसके। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है, तो अब जो है चलाना है इसको भाई, ये जो है चल रहा है। यार ये चलना चाहिए, इसको क्लच को सिस्टम, सारी दिक्कत इस क्लच में है सारे, और सारा मेन चीज पार्ट जो है इस मशीन का ही है, सारा क्लच सारा कंट्रोल सब यही हो रहा है, बस सिर्फ मोटर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से कंट्रोल हो रहा है और कुछ नहीं। तो मैंने इसको भाई धुलने वाला तो बना दिया, इसका चलने लगा, धुलने वाला तो चलने लगा, तो भाई ये तो जो है वॉशिंग वाला, तो ये इसका सही हो गया एक तरह से, ये वॉशिंग करने लगी मशीन, और देखते हैं अब इसको चलता है कि नहीं, ये चल रहा है, मैं इसके वायर ऑन करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये चल रही है मशीन, ठीक है, ये देखो मशीन ये चल रही है, वॉशिंग वॉशिंग पे चल रही है, और आपको मैं दिखाता हूँ ये यहाँ पे इसका टब कैसे घूमता है, ये देखो अंदर से चल रहा है टब, ये देखो मशीन चल रहा है टब अंदर के, ये वाला जो है रिंज है क्या कहते हैं यार उसको, रुक जाओ यहाँ पे पढ़ के बताना पड़ेगा, तो वो नीचे वाला वॉशिंग व्हील है। अब इसको मैं बदल के लाऊंगा तो ये दूसरी तरफ घूमने लगेगा, अब ये दूसरी तरफ घूमने लगा होगा, तो इस तरीके से मदरबोर्ड जो है इसका स्विचिंग करता रहता है मोटर की, तो इस तरह चलता है। तो फ्रेंड्स ये सब था आपसे शेयर करने के लिए, ये जो वॉशिंग मशीन है ये IRB का टॉप लोड मॉडल है, लगभग लगभग सभी वॉशिंग मशीन कुछ इसी तरीके से होती हैं, चाहे इवन फ्रंट लोड भी हो, फ्रंट लोड में जो टब है वो
हॉरिजॉन्टल कर दिया जाता है, और टॉप लोड में जो है ऑब्वियसली वो वर्टिकल टप कर दिया जाता है, पोजीशन कर दिया जाता है। बल्कि फ्रंट लोड का जो मैकेनिज्म है वो और भी आसान है, उसमें जो गियर बॉक्स है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड किसी में होता नहीं है, और किसी में अगर होता तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो फ्रंट लोड के जो मैकेनिज्म है वो कभी अगर बाई चांस अगर मुझे मौका लगा तो फ्रंट लोड का भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करती है। तो ये टॉप लोड किसी भी कंपनी की, आईएफबी की नहीं, किसी भी कंपनी की जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, तो लगभग लगभग 90% वॉशिंग मशीन के सब सेम यही असेंबली होती है, बस ऊपर से डिजाइन और मदरबोर्ड जो है वो चेंज हो जाता है, और कुछ पार्ट नंबर जो है वो चेंज होते हैं, बट मैकेनिज्म सभी मशीन का यही है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आगे जो मैंने इसका ऑडिनो बेस्ड जो मैंने इसका कंट्रोल बोर्ड बनाया वो मैं पार्ट टू में मैं आपको दिखाऊंगा, और उसको एक्सप्लेन करूंगा, और मशीन को चला के भी दिखाऊंगा, और कपड़े धुल के भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल, फुल प्रैक्टिकल। तो जैसे ही अपलोड हो जाती है प्लीज़ उसको आप देखें, तो उसमें और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। और आप देखो कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करते हैं, इंटरफेसिंग करते हैं हम सॉफ्टवेयर के लिए। तो यहाँ पर बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस हार्डवेयर, बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पे। तो टिल देन ओके, बाय, टेक केयर।